और अब हम आपको बताने जा रहे हैं बंधकों की रिहाई का पूरा प्लान तैयार था, युद्ध विराम का समय भी तय हो चुका था। बाकायदा इजरायली प्रधानमंत्री मीडिया के सामने तक आए और समझौते के बारे में देश को बताया भी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिहाई समझौते को झटका लग गया? आइए आपको तफसील से पूरी खबर बताते हैं। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हानेकबी का बड़ा बयान सामने आया है, शुक्रवार तक बंधकों की रिहाई नहीं ये कहा गया हानेकबी की तरफ से। आज सुबह 10 बजे तक होनी थी ये रिहाई। रिहाई में देरी के मायने क्या हैं? क्यों देरी हुई? क्या इसराइल को हमास से धोखे का अंदेशा है, इसीलिए देरी हो रही है? अब जो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं हानेकबी, उनका बयान भी आपको बता रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से ये रिहाई होनी थी लेकिन ये टल गई। इसराइल को हमास के किसी प्लान के बारे में क्या पता चल गया है, मायने हम आपको बता रहे हैं। साथ ही रिहाई की बातचीत आगे बढ़ रही है हानेकबी का ये कहना है, लेकिन नेतन्याहू की धमकी के बाद हमास ने क्या डील तोड़ दी है? जो डील हुई थी बंधक डील, क्या उसे तोड़ दिया गया है? समझौते के तहत होगी बंधकों की रिहाई। बड़ा बयान तो दे रहे हैं हानेकबी, लेकिन मायने इसके निकाले जा रहे हैं। क्या हमास को इसराइल की सेना पर भरोसा नहीं है? ऐसा तो नहीं कि हमास धोखा दे रहा है बंधक डील को लेकर? समझौते के तहत बंधकों की रिहाई अगर ठीक से हो पाती आज से, तो 4 दिन तक बंधकों की रिहाई होती, लेकिन न युद्ध विराम हुआ न बंधकों की रिहाई हो रही है। अब इस पर सस्पेंस बना हुआ है कि होगा क्या आखिर। और मायने भी हम आपको बता रहे हैं, क्या इजरायली सेना का ये जो विरोध है वो रिहाई पर भारी पड़ा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बंधकों की रिहाई को लेकर जिस तरीके से सस्पेंस बना हुआ है, आपको बता दें कुछ देर पहले नेतन्याहू ने डील की बात भी कही थी, शुक्रवार तक रिहाई की उम्मीद अब कम है, ये एक और बयान सामने आया है। तो एक तरफ जहां बैठक हो रही है, बैठक में हो रही चर्चा को लेकर निधि हमारी सहयोगी ने आपको जानकारी दी, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां बंधकों की रिहाई को लेकर सस्पेंस के तहत नेतन्याहू की तरफ से डील को लेकर कही गई बात, अब शुक्रवार तक रिहाई की उम्मीद भी कम। עזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אמרנו שנפעל לייצר את התנאים להחזרת החטופים, ויצרנו אותם. מה שסלל את הדרך למתווה הנוכחי הוא השילוב של שני מאמצים גדולים. המאמץ הראשון, לחץ צבאי מסיבי, לחץ צבאי בלתי פוסק שאנחנו מפעילים על חמאס. אני רוצה לשבח את צה"ל והשבק על הפעולה העצומה שהם עושים. और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हमास के खात्मे पर नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है, हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग, मोसाद को मिला हमास नेताओं को मारने का आदेश। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से इसराइल ने पूरी तरह से प्रण ले लिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता तब तक ये जंग जारी रहेगी। हमास के खात्मे पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि मोसाद को मिला है हमास नेताओं को मारने का आदेश। जो टॉप कमांडर्स हैं हमास के, उसे मारने का आदेश मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी को दिया गया है, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन नेतन्याहू ने पब्लिक मंच पर यह बहुत बड़ा बयान दिया है।